हेलो गाइज, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 20 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्लोबली केसेस कोरोना वायरस के जो हैं उनमें से 86,000 रिकवर हो चुके हैं। चाइना में कल पहली बार एक भी नया केस नहीं आया है, और इटली और ईरान में जो है केसेज में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो एपिसेंटर था उसमें एक भी केस, यानी कि जो वुहान और चाइना जहाँ पे जो भी केस आ रहे हैं, वो नए केसेस आ रहे हैं, वो लोग थे जो बाहर से आए, लोकल केसेस एक भी नहीं आए। भारत में भी करीब 20 लोग जो हैं रिकवर हो चुके हैं। तो एक तरीके से आप देखा जाए, और उनको कोई वैक्सीन नहीं है इसकी, ना कोई स्पेशलिस्ट का कोई इलाज बना, तो पैरासीटामोल खिला दी तो ठीक हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से बस ये है कि आपको खुद को आइसोलेट कीजिए, खुद को जो है कुछ दिन तक, भारतवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने को जो है 10 दिन तक बस कंट्रोल में रहना, उसके बाद जो है केसेस अपने आप रिकवर हो जाएंगे। और एक बार कोरोना वायरस ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये दोबारा लौट के नहीं आए, इसके लिए पूरी पर्याप्त जो है फैसिलिटी, पूरा पर्याप्त हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से। वो एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि ये जो है जुडिशरी पे विश्वास हमारा दिलाता है। हाल ही में क्या हुआ, देखो, मणिपुर के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या था कि पहले वो थे कांग्रेस से, उन्होंने जो है चुनाव लड़ा और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़के जीतने के बाद और कैबिनेट ज्वाइन कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया कि ये जो मणिपुर के जो मिनिस्टर हैं इनको ऑफिस से हटाओ, और इनको जो है स्टेट असेंबली में एंटर मत होने दो जब तक स्पीकर जो है अपना डिसीजन नहीं लेते कि डिफेक्शन है कि नहीं है। भाई, आपको पता है कि अगर कोई पार्टी से टिकट लेकर चुनाव जीतता है और वो किसी और पार्टी में चल जाता है तो ये 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक डिफेक्शन माना जाता है। हालांकि जो स्पीकर हैं वो इसको डिफेक्शन क्या मतलब, वो इस पर जो है वर्डिक्ट नहीं दे रहे थे, उस पर वो बता ही नहीं रहते, मतलब वो कह रहे थे कि अब उनको डेडलाइन भी दी गई कई बार कि भाई है ना आप ये बताओ कि ये है कि नहीं है डिफेक्शन, लेकिन जो स्पीकर है मणिपुर असेंबली को बता ही नहीं रहते। तो ये लैंडमार्क जो जजमेंट आया, बेसिकली अब इस तरीके से जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे वो बेसिकली अब ये जो इनएक्शन अपनाते हैं कि भाई ये इनके ऊपर पिटीशन भी काफ़ी ज़्यादा जाती है और इनके पास जो है सब कुछ प्रेशर रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं समय पर डिसीजन नहीं लेते। तो हाल ही में ये चीज़ हुई जिसमें मणिपुर के केस में आपको लगा होगा कि अब देखो 2017 में केस शुरू हुआ था, 4 सप्ताह का समय दिया गया था स्पीकर को कि भैया 4 सप्ताह के अंदर, मैं आपको पता है ना कि डिफेक्शन के केस में जो डिफेक्ट है कि नहीं है ये बताने वाले प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, फाइनल डिसीजन उनका होता है। तो स्पीकर जो है वो बेसिकली उनको 2017 में शुरू हुआ था, 4 सप्ताह का समय दिया, वो डेडलाइन वो क्रॉस कर गए 4 मार्च को, फिर वो जो है उनको जो है 10 दिन का समय दिया, फिर वो क्रॉस कर गए। तो समय समय ऐसे करते गए। और आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं बताऊंगा इस आर्टिकल में क्या है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा है कि ये जिस तरीके से इनएक्शन किया जा रहा है स्पीकर के द्वारा ये गलत है, और कोर्ट ने वैसे ही ऑर्डर जो दिया है वो इंटरिम ऑर्डर है, यानी अभी टेम्पररी है, यानी कि नेक्स्ट हियरिंग है 30 मार्च को है, तब तक स्पीकर जो है मैटर डिसाइड कर सकता है कि वास्तव में डिफेक्ट है कि नहीं है, और जब तक डिसाइड नहीं करे स्पीकर तब तक मिनिस्टर बाहर ही रहेंगे, असेंबली में नहीं जा पाएंगे, असेंबली में नहीं जा पाएंगे तो कैबिनेट के तो मेंबर रहेंगे भी नहीं। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है सारी जो भी कोर्ट्स है भारत की उनको गया है कि देखो किस तरीके से जो है, अगर आप कोर्ट्स जो है वो आपकी सहायता नहीं करेगी अगर आप डिफेक्टर हो तो। तो इस ऑर्डर के जो है आप देखोगे वो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो 2 हैं, मतलब सवाल जो उठ रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर पे, एक तो ये कि कोर्ट की जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, भाई ये माना जाता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जो स्पीकर होता है, उसने एक बार डिसीजन दे दिया तो उसके बाद जो है फिर कोर्ट भी उसमें जो है कुछ नहीं कर सकता, स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है और उसमें जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये चीज़ जो है चली आ रही है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे पहला ऑब्जेक्शन तो ये, लेकिन आप इसको ये देखना पड़ेगा कि स्पीकर ने जो है यहाँ पे कुछ एक्शन लिया ही नहीं और कोर्ट ने भी कुछ डिसीजन लिया नहीं, मैटर डिसाइड नहीं किया कि वो डिफेक्टर हैं कि नहीं, केवल उनको कैबिनेट में एंटर होने से, स्टेट असेंबली में एंटर होने से मना कर दिया। तो ये जो है एक तरीके से सबूत है कि स्पीकर ने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं,
कोर्ट ने अपनी ड्यूटी निभाई और पूरी तरीके से जो है जुडिशियल रिव्यू वाला जो सिस्टम था, जिस वजह से कहा गया स्पीकर के जो डिसीजन है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो उसका भी पालन किया गया। यहाँ पे स्पीकर का जो डिसीजन आएगा, स्पीकर ने डिसीजन लिया ही नहीं कोई, तो सुप्रीम कोर्ट तो करता ही, कब तक वेट करता। ठीक है, डेडलाइन भी उनको दी गई। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो अगर यहाँ पे जुडिशियल नहीं हो पाती स्पीकर के द्वारा, तब कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। कई बार ऐसा देखा भी गया, तो एक क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है कि मणिपुर स्पीकर ने जो है कोर्ट की डेडलाइन को मीट नहीं किया, जो इतने सालों से इतने महीनों से दी जा रही है, और क्लियर उन्होंने जो है इनेक्शन अपनाया, मतलब कोई भी इन्होंने जो है कुछ नहीं किया, केवल बैठे रहे वो। ये एक ही ऑप्शन उनके पास था ताकि वो जो इलेक्टर है, इलेक्टर जो है उनको बचाए रखें। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो है अभी हाल ही में एक बात चली थी कि स्पीकर के जगह एक जो है एडजुकेटिंग अथॉरिटी यानी कोई ट्रिब्यूनल जो है लाया जाए, जो 10 शेड्यूल के अंदर जो मैटर है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि स्पीकर जो है वो, देखो हमारे भारत देश में जो स्पीकर होता है वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप यूके, अगर आप और कंट्रीज़ में देखें, यूके में मुझे अच्छे से पता नहीं, यूएस में अगर आप देखें जैसे, तो वो अपनी पार्टी के जो है हट जाते हैं, मतलब एक बार स्पीकर बन गए तो अपनी पार्टी से बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं। भारत में जो है स्पीकर भी बना रह सकता है, कोई और पार्टी का मेंबर भी बना सकता है। अब ऑफकोर्स अगर कोई पार्टी का मेंबर है और वो स्पीकर है तो उसके टेन्योर में वो ऐसे डिसीजन लेगा ही नहीं ना जो उसको फ्यूचर में नुकसान करे, क्योंकि रहना तो उसको पार्टी का मेंबर है, स्पीकर की टेन्योर तो 5 साल की। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कहता सभी स्पीकर ऐसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है संभावना बनी रहती है कि पार्टी का फेवर हो सकता है। तो इस वजह से बात उठी कि स्पीकर की जगह एक ऐसी अथॉरिटी लाया जाए जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हो, जो कि 10 शेड्यूल के अंदर मैटर डिसाइड कर सके। क्योंकि ये आप देख लो ना, 2017 से मैटर चलता हुआ आ रहा है, स्पीकर ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, तो साफ जो है सबूत देता है कि किस तरीके से अभी जरूरत है हमको एक एडजुकेटिंग अथॉरिटी की। अच्छा, ये जो आर्टिकल COVID-19 ये हमारे राष्ट्रपति के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, रामनाथ कोविंद जी ने आर्टिकल लिखा है। इन्होंने बातें ये लिखी हैं कि किस तरीके से जो है पहले हम क्या थे और आज हम क्या हैं, क्या समय था और आज क्या समय, आज नेचर हमको क्या जो है सिग्नल देती है। ये कहती है कि आप देखो जिस तरीके से पेंडेमिक नॉर्मल बनते जा रहे हैं, नॉर्मल जो वेदर फिनोनिमेंस है, जैसे कि आपके साइक्लोन्स हो गए, ड्रोट्स हो गए, फ्लड्स हो गई, अर्थक्वेक्स, ये सब जो अर्थक्वेक्स तो खैर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आप देखोगे जो साइक्लोन वगैरह जो है, वो ड्रोट्स वगैरह जो हैं, हीट वेव जो आ रही हैं, सब जो है कहीं ना कहीं हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करने से ही है। तो नेचर हमको यही कह रही है। और जिस तरीके से मोदी जी ने कल जो है स्पीच दिया, लीडरशिप निभाई, मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी क्लाइमेट चेंज से और टेररिज्म से लड़ने के लिए इस तरह की जो है लीडरशिप अपनाएंगे। और आप लोगों को भी मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ पिछले 2-3 महीने में क्या सीखा, क्या हम अलग थलग होकर लड़ सकते थे, क्या हिंदू मुसलमान अलग अलग होके कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं कि भाई हिंदू तो कह दे नहीं आप जो है अलग स्ट्रेटजी बनाओ, मुसलमान कह दे हम अलग स्ट्रेटजी बनाओ, सिख कह दे कि हम अलग स्ट्रेटजी बनाओ, नहीं ना। क्या COVID-19 रिलीजन को देखती है, क्या किसी नेशन को देखती है, क्या वे देखती है कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं ना। तो सबको एक रहना चाहिए, और ये चीज़ हमको ही नहीं पूरी दुनिया के जो सिटीजन है सबको ये सीखना चाहिए, चाहे वो USA के हो, चाहे वो UK के हो, कि इसका इफेक्ट कोई बीमारी का या कोई पेंडेमिक का या फिर कोई जो क्लाइमेट चेंज से जो हो रहा है उसका इफेक्ट बाउंड्री देख के नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो इम्प्लीकेशंस आप पे भी आएंगे। आई होप ये वर्ल्ड लीडर्स ने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। ये है जो आर्टिकल हमारा रजनीकांत पे, जो साउथ फिल्मों के सुपरस्टार है, उनकी जो पॉलिटिक्स में एंट्री की बात हो रही है और पॉलिटिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं नहीं। देखो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो न्यूज़ में है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके बारे में आप पॉलिटी की अपनी बुक पे जरूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि इस आर्टिकल में बात हो रही है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो टूथलेस है, यानी उसमें जो इतनी पावर नहीं है, केवल एक एडवाइजरी बॉडी है। भाई शुरू कहाँ से हुआ, 1993 में इंडियन पार्लियामेंट ने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट निकाला। इस एक्ट का मतलब ये था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क लाया जाए जो कि इफेक्टिवली प्रोटेक्ट, प्रमोट और फुलफिल कर सके फंडामेंटल राइट्स को, जो कि हमारे भारत के संविधान के द्वारा गारंटीड हैं। और यहाँ तक कहते हुए ये ऑब्जेक्टिव के साथ एक्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी बनाया, स्टेट लेवल पर भी कमीशन्स बनाए। इनका मकसद क्या है, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे पास फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन है। अभी फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन क्या होता है, देखो हमारे देश में अब क्लासिकल अकाउंट की मैं बात करूँ
तो डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली तीन ब्रांच से जुड़ी हुई है, तीन ब्रांच से बनी हुई, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और आशा की जाती है कि तीनों जो है आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं और एक दूसरे को जो है चेक करते रहते हैं, बैलेंस बनाए रखते हैं कि कोई कुछ गलत थोड़ी कर रहा है। तो ये जो आपका अभी मणिपुर वाला एग्जाम्पल था, ये बिल्कुल यही था कि जुडिशरी किस तरीके से लेजिस्लेचर पर चेकिंग बनाए रख रही है कि कोई गलत थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो गवर्नेंस की कॉम्प्लेक्सिटी है कि भाई लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव पे चेक बनाए रखेगा और किस तरीके से जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर पे रखेगा, आपस में अगर तीनों करके रखेंगे, एक दूसरे पे चेक करके रखेंगे, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गवर्नेंस निकल के आएगी। इस तरीके से प्रशासन में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसके तहत जो है कुछ अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई जाती है, जैसे कि आपका CBI हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जैसे आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया। इन बॉडीज़ को इसके लिए बनाया जाता है। कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल तो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्फॉर्मेशन कमीशन आपका जो है स्टैचूरी बॉडी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन आपका स्टैचूरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट के द्वारा बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इनका आर्टिकल है नहीं। तो ये बॉडीज़ जो हैं एक तरीके से फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करती हैं, और इनका आज जो है 2.5 दशक हो गए ह्यूमन राइट्स कमीशन को आए हुए, और पिछले कुछ सालों से इनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, काफ़ी स्क्रूटनी हो रही है कि यार ये कर क्या रहे हैं भाई। ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे देश में है भी क्या, इसका भी लोगों को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑटोमोस जो ये बॉडीज़ हैं जिनको इंडिपेंडेंट बताया जाता है, ये आरोप लग रहा है कि पोलिटिसाइजेशन का शिकार बन रही है, यानी पॉलिटिक्स से ये जुड़ गई हैं और इनके पास पावर भी नहीं है तो इनको जुड़ना पड़ रहा है। जैसे कि अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन आज के तारीख में टूथलेस है और करती क्या है, वो एक एडवाइजरी रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट उनके ऑर्डर को माने ना माने गवर्नमेंट के ऊपर है। अब कैसे देखो, ये केस जो है हाईकोर्ट ऑफ मद्रास के ऊपर जो है ये पेंडिंग केस है, इस वजह से इस आर्टिकल में भी ये बात कही जा रही है, इस वजह से ह्यूमन राइट्स कमीशन न्यूज़ में प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिएगा। आने वाले समय में हाईकोर्ट की बैन डिसाइड करेगी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हैं, जो ह्यूमन राइट्स के वॉयलेशन होते हैं उन पे ना बिल्कुल सिविल कोर्ट के तौर पे काम करती है, मतलब सबूत वबूत इकट्ठा करती है और मतलब सुनवाई करती है प्रॉपर सिविल कोर्ट के तरीके से। लेकिन जब पनिशमेंट देने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, गिल्टी को पनिश करने की बारी आती है, तब वो यहाँ पे टूथलेस हो जाती है और उसको जो है फिर सरकार को एडवाइस देना पड़ता है कि हमने ये पता लगाया अपनी सुनवाई में कि ये आदमी गिल्टी है, इसको आप पनिश करो। और हाँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट को कर सकता है, स्टेट लेवल पे जो कमीशन्स है ह्यूमन राइट्स कमीशन्स, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कर सकती हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि क्या उनकी जो रिकमेंडेशन है अब क्या वो सरकार पे बाइंडिंग है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन वैसे तो वॉयलेशन का इंक्वायर कर सकते हैं अगर किया गया है तो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, कोई वॉयलेशन, कोई पिटीशन भी अगर उनके पास आई है, कोई और सुमोटा भी कर सकते हैं, मतलब खुद के द्वारा उनको लगा हो कहीं पे ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है तो खुद भी वो जो है सुनवाई कर सकते हैं उस चीज़ पे। तो इंक्वायरी तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, सिविल कोर्ट की पावर है, सबूत इकट्ठा कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं, सबूत को देख सकते हैं, ये प्रोसेस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स लगती है। हाँ, और है भी, और किसी भी पर्सन को जो है वो यहाँ पे सुनवाई का हक भी दिया जाता है। तो मद्रास हाई कोर्ट के सामने कंट्रोवर्सी किस बात की? कंट्रोवर्सी इस बात की है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है जब इसकी इंक्वायरी कंप्लीट कर लेता है और एक कंक्लूजन पे जब वो पहुँचता है कि ह्यूमन राइट्स हाँ वॉयलेट हुए हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है रिकमेंड करता है कंसर्न गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल पे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट पे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को, कि ये विक्टिम है, इनको कंपनसेशन दीजिए और दोषी को जो है सजा दीजिए। कई और स्टेप्स भी करने के लिए रिकमेंडेशन दे सकता है। तो प्रश्न यहाँ पे जो उठ रहा है वो उठ रहा है इस शब्द पर रिकमेंड। माना यह जाता है कि रिकमेंड का मतलब ये है कि एडवाइस देना, जो कि बाइंडिंग नहीं है। अब मद्रास हाई कोर्ट के सामने प्रश्न ये उठ रहा है कि देखो, कई बार क्या हुआ कि रिकमेंड शब्द पे कई कंट्रोवर्सीज निकल के आई, कई कंक्लूजन्स निकल के आए, कई वर्डिक्ट्स निकल के आए जिन्होंने कहा कि रिकमेंड का मतलब है केवल एक एडवाइस जो कि बाइंडिंग नहीं है। लेकिन इस वर्ड्स को अगर हम देखें तो वर्ड जो है ये बेसिकली रिकमेंड, अगर आप समझें इसको तो आप इसको पुट फॉरवर्ड भी मतलब निकाल सकते हो, सजेस्ट मतलब भी निकाल सकते हो। तो सजेशन ऑर्डिनरी अगर आप देखो, अगर ढंग से अगर आप देखो तो सजेशन का मतलब है जो बाइंडिंग नहीं है, केवल एडवाइस दे दी, सजेस्ट कर दिया आपने। और ह्यूमन राइट एक्ट का जो सेक्शन 18 है वो ये कहता है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी वर्डिक्ट दे दी। अब ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है सरकार को बताएगा कि ये गुनहगार है और ये जो है विक्टिम है, इसको तो कंपनसेशन दे दो, इसको सजा दे दो। सरकार ने अगर मान लो इनकी बात नहीं मानी या सरकार ने अगर इनकी बात मानी तो बेसिकली जो एक्शन सरकार ने लिया या नहीं भी लिया उसके बारे में कमीशन को है जो रिपोर्ट जाएगी सरकार के द्वारा एक महीने के समय में। ये बाइंडिंग है, ये एक्ट में है, ये जा ध्यान रखना प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव से। एक महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो एडवाइस दी थी उस एडवाइस पे काम किया गया, किया गया तो क्या किया गया, नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। यही एक ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट पे। तो बेसिकली ये एक्ट जो है इसका इंटेंशन ही ये था कि रिकमेंडेशंस हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस ही दें, एडवाइस के तौर पे मानी जाए। क्योंकि अगर बाइंडिंग मानी जाती तो ये साफ साफ कह देता ना, भाई एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जो कानून बनाने वाले थे उनको अगर लगा कि भाई ह्यूमन राइट्स कमीशन की एडवाइस बाइंडिंग होनी चाहिए तो वो लिख देते ना, वो रिकमेंड क्यों करते कि ये जो एडवाइस होगी ह्यूमन राइट्स कमीशन की बाइंडिंग होती। इन्होंने नहीं लिखा और रिकमेंड लिखा है, इसका मतलब उनकी मन में ये था लॉ मेकर के मन में कि जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन की एडवाइस बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। और क्योंकि सरकार के पास ऑब्लिगेशन है कि सरकार जो है वो रिपोर्ट दे सकती है एक महीने के अंदर कि कौन सेक्शन लिया गया और कौन सेक्शन नहीं लिया गया। तो नहीं लिया गया अगर ऑप्शन मौजूद है सरकार के द्वारा तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि सरकार जो है वो एक्शन नहीं ले, हालांकि रिपोर्ट में बताना पड़ेगा क्यों नहीं लिया, पर ऑप्शन तो है, कानून बनाने वालों ने इसका ऑप्शन दिया, इसका मतलब कुछ तो सोच के दिया होगा कि नो एक्शन का मतलब है कि यहाँ पे सरकार एक्शन नहीं लेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो सरकार को पसंद नहीं आई हो, सरकार को लग रहा हो कि नहीं जो है हम इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो राइटर यहाँ पे इन बातों को जो है जवाब दे रहे हैं, ये जो बातें मैंने बताई कि रिकमेंड का मतलब एडवाइस देना और इंटेंशन नहीं थी, तो ये सारी बातें रिजेक्ट कर रहे हैं राइटर और कह रहे हैं सबसे पहली बात तो वर्ड्स की जो मीनिंग होती है ऑर्डिनरी मीनिंग अलग होती है और लीगल फ्रेमवर्क में अलग मीनिंग होती है। लीगल मीनिंग उसकी डिपेंड करती है कि कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, सिचुएशन क्या है, पर्पस क्या है और किस तरीके से समझाना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो है कंसल्टेशन जो वर्ड आपने अगर देखा होगा जजेस वाले चैप्टर में, सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में आपने अगर पॉलिटिकल बुक में पढ़ा होगा तो ये था कि जो कंसल्टेशन करके ही जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी जजेस को। तो कंसल्टेशन जो वर्ड है ये बेसिकली कई बार इसका मतलब नया निकला। कोई कह रहा है इसका मतलब केवल ये है कि केवल एक एडवाइस जो कि बेंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। कई बार ये मतलब निकला कि कॉन्करेंस यानी सहमति, आपसी सहमति बनाई जाए, जो कि आज के टाइम पे जो है कोलिजन सिस्टम में है। आज के टाइम पे कॉन्करेंस जो है इसका मतलब निकल के आता है कंसल्टेशन का। अब ऑर्डिनरी मीनिंग में तो कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आपने किसी से कंसल्ट किया, पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, इसका मतलब है कॉन्करेंस। तो कई बार जो है कोर्ट ने एंड जो वर्ड होता है एंड उसका मतलब और भी निकाला है। तो वर्ड्स की जो है लीगल फ्रेमवर्क अलग अलग होती है, सिचुएशन के हिसाब से निकाली जाती है और इस तरह की इंटरप्रिटेशन जब होती है तो इसके लिए एक अच्छा रीजन भी होता है। देखो अब ह्यूमन राइट्स एक्ट की मैं अगर बात करूं जिसको फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन माना गया है, अगर ये ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया है तो इस एक्ट ने अगर इस ह्यूमन राइट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो सरकार के और इंडिविजुअल के बीच में एक दीवार खड़ी की, एक दीवार यानी प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स कमीशन के रूप में, कि अगर सरकार कोई ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रही है तो ये बीच में आके उसकी इंक्वायरी करेगा, ये देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटमेंट है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की ये पूरी है कि नहीं है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भाई एक्ट का अगर पर्पज ये है कि ह्यूमन राइट्स को रोकें और सरकार अगर फ्री छोड़ दे कि हाँ सरकार को आज़ादी दे दें कि इसकी एडवाइस ये माने कि नहीं माने, तो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, फिर पॉइंटलेस ही हो जाएगा ना। फिर ह्यूमन राइट्स की आवश्यकता क्या है, जब ह्यूमन राइट्स कमीशन की आवश्यकता क्या है जब उसकी एडवाइस मानी नहीं जा रही। तो अगर कोई फाइनल जजमेंट देना है कि इसके जो कमिटमेंट्स हैं, इसके जो जजमेंट्स हैं, इसके जो वर्डिक्ट है, इसके पालन करना है या नहीं करना, अगर ये केवल जो है सरकार पे अगर आप छोड़ दोगे, स्टेट अथॉरिटीज़ पे आप छोड़ दोगे, तो ये तो एंटायर पर्पस को डिफीट कर देगा ना। कई बार कोर्ट्स ने, ये पहली बार ऐसा नहीं है, कई बार कोर्ट्स में ऐसे केसेज हैं जिसमें उन्होंने वेरियस फोर्थ ब्रांच जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी पावर्स को डिटरमाइन किया, जैसे कि सीबीआई, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनको पावर दी भी है, इनको जो है और बताया भी है कि इनकी पावर किस तरीके से आगे बढ़ती है। अब एक्ट में चेंजेस थोड़ी किए,
कि भाई जो एक्ट सही बने थे, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऐसी की गई कि सरकार को जो है यहाँ पे इनकी बातें माननी पड़ी, कोर्ट ने ऐसी इंटरप्रिटेशन करी अब इस एक्ट की। तो एक क्लियर है कि कभी भी कोई ऑटोनोमस बॉडी जैसे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर इसकी पावर को डिटरमाइन करना हो तो यहाँ पे ये जो रोल ये निभाते हैं इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इनका रोल बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अगर ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इनको पावर मिल जाएगी तो किस काम के? ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अगर सिविल कोर्ट के पावर हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग ये करती हैं, और ये नेचर जिस तरीके से इनकी प्रोसीडिंग्स का होता है क्वासी जुडिशियल बॉडी मानी जा सकती है। अच्छा, जुडिशियल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी में क्या अंतर होता है मैं आपको बता दूँ। जैसे NGT आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसमें क्या होता है, देखो ये डिसीजन दे सकते हैं, सुनवाई कर सकते हैं, वर्डिक्ट दे सकते हैं, और इनके वर्डिक्ट जो है बाइंडिंग होते हैं पार्टीज पे, बिल्कुल। लेकिन ये क्वासी जुडिशियल होता है यानी कि नया कानून नहीं बना सकते और खुद के डिसीजन को रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने कोई डिसीजन दिया गया था सालों पहले, महीनों पहले, कुछ दिनों पहले, उसको रिव्यू कर सकता है लार्जर बेंच से, लेकिन ये नहीं कर सकते और नया कानून नहीं बना सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट तो नया कानून बना सकता है ना, ये है नई कानून नहीं बना सकते। क्वासी जुडिशियल बॉडी का प्रोसीजर जो है अगर ये अपना रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है अगर देश में अगर हम देखें तो उनकी एडवाइस जो है बाइंडिंग होती है सरकार पे। हाँ, चैलेंज कर सकते हैं लेकिन इनिशियली बाइंडिंग तो होती है ना, तो यहाँ पे इसकी एडवाइस बाइंडिंग क्यों नहीं है? भाई प्रोसीजर तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी का अपना रहा है, एडवाइस इसकी बाइंडिंग है नहीं, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है हाल ही में ओपिनियन शब्द का भी इंटरप्रिटेशन ऐसे दिया, भाई असम में जो फॉरनर ट्रिब्यूनल है उन्होंने जो ओपिनियन दे दिया कि ये आदमी सिटीजन है कि नहीं है, उस ओपिनियन को जो है बाइंडिंग बताया गया सरकार पे। अब ओपिनियन का मतलब ही होता है विचार देना। अब ऑर्डिनरी मीनिंग में तो आपको लगेगा बाइंडिंग नहीं है, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो उसका बाइंडिंग मतलब बता दिया। तो अगर मैं टोटल कंक्लूजन निकालूं तो ह्यूमन राइट्स का जो रोल अगर देखें और ये देखें कि कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन जो आज का चल रहा है, भाई कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन मतलब जस्टिफाई करो अपने एक्शन को, सरकार जस्टिफाई करे कि ऐसा क्यों किया। हर ब्रांच को, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर को जस्टिफाई करना होता है, जो कल्चर ऑफ जस्टिफिकेशन चला है जो हमारे डेमोक्रेसी में है, इसको देखते हुए और ह्यूमन राइट्स कमीशन के रोल को देखते हुए हमको ये देखना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिकमेंडेशन है वो स्टेट में बाइंडिंग हो। अब मद्रास हाईकोर्ट पर सवाल उठता है कि वो किस तरीके से ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का फ्यूचर निर्धारित करते हैं। गाइज, ये तो ये आर्टिकल मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली सार्क को कैसे जो है COVID-19 फंड इनिशिएटिव रिवाइव कर सकता है, उस पर बहुत आर्टिकल आए थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो वो देखी होगी तो आपको ये आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें सेम ही चीज़ें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। अच्छा, ये आर्टिकल आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज बात हो रही स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे IITs, IIMs, ये तो एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी तो रैंकिंग भी अच्छी आती है। हाँ, ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले इतनी नहीं आती, लेकिन आती तो है। भारत के अगर मैं और यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले बात करूं तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इतना रोल प्ले कर रही हैं तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं कर पा रही कुछ? भाई आज अगर मैं टोटल यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, तो 400 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 400 जिनमें जो कि 90% ग्रेजुएट हमारे बनाती हैं स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, बाकी 10% हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी करती हैं, और जितनी रिसर्च होती है 1/3 कौन करता है? रिसर्च जो पब्लिकेशन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। हाँ, इनकी क्वालिटी पुअर है, इनकी परफॉर्मेंस पुअर है, और इनके जो चैलेंजेस है वो आपको इस पैराग्राफ में दे रखे हैं जो अपने मेंस के आंसर में भी आप डाल सकते हो। इनकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पुअर है, इसका सबूत ये है कि इनकी इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग पुअर है, इनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है जो इसके स्टूडेंट्स का, भाई इनके स्टूडेंट्स को नौकरी मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनको जो है कैरियर अपॉर्चुनिटी मिल रही है नहीं मिल रही, ये भी पुअर है, और नेशनल पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी में इनकी प्रेजेंस नेग्लिजिबल है, यानी इनकी जो है कोई राय नहीं ली जाती, पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है नेशनल अवार्ड्स में, नेशनल अवार्ड इनको मिलते नहीं है, रिसर्च फंडिंग में भी इनका पुअर शेयर है, यानी फंडिंग में भी इनको जो है पैसा नहीं दिया जाता। तो इनके जो कारण क्या है भाई, ये तो चीज़ें हैं जो इनके इनको फेस करनी पड़ रही है, इनके कारण क्या है? आप अगर ऊपर ऊपर से देखो तो जैसे कि आपको लगेगा कि यार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है और ऑटोनॉमी नहीं है, पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, करप्शन है, क्वालिटी नहीं है टीचर्स की अच्छी, आउटडेटेड करिकुलम है, सिलेबस बहुत पुराना है, पढ़ाई बहुत पुराने तरीके से होती है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और फैसिलिटीज़ नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, और एफिलिएशन जो सिस्टम है उसका इविल, भाई बड़ी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, खुद कुछ नहीं पढ़ाते, और जो इनके बच्चे निकल गए जो आगे बढ़ गए उनके साथ इनका लिंकेज नहीं है। जैसे मान लो कोई अगर MBA की यूनिवर्सिटी से कोई बिजनेस स्कूल है तो वो उनकी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है,
कोई फैशन, कोई यूनिवर्सिटी है फैशन डिजाइनिंग वाली तो उसकी इंडस्ट्री के साथ तो कनेक्टेड नहीं, लिंकेज पुअर है। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली प्रॉब्लम है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, लेकिन इतनी नहीं है जितनी कि स्टेट में। ऐसा क्यों भाई, स्टेट पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम क्यों है? देखो ये जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें बताई ये आपको कारण नज़र आएंगे, लेकिन ये कारण नहीं है, ये एक तरीके से सिम्टम्स हैं और परिणाम हैं। यानी इनके अंदर भी बहुत कारण होंगे बिल्कुल, और इनके कारण है आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो ये चलाई जाती है इस वजह से, नहीं गलत है, IIT भी IIM भी तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, फिर वो कैसे आगे बढ़ गए? तो प्रॉपर डायग्नोसिस अगर नहीं कर पाते इस सिचुएशन का तो कई बार जो है यहाँ पे गलत आप चीज़ें भी निकाल लेते हो। जैसे कई बार ऐसा सोचा जाता है कि यार ये तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, तो यहाँ पे अप्रोच जो है फ्रेगमेंटेड और इनफेक्टिव होती है, इस वजह से सोल्यूशन भी नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या क्या है? पहली बात तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर इंस्टीट्यूशंस की बात करो तो उनको फंडिंग पूरी मिलती है, नेशनल लेवल से कनेक्टेड रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से वो कनेक्टेड रहते हैं, और उनमें जो बिजनेस और इंडस्ट्री के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, इंटेलिजेंसिया के साथ वो कनेक्टेड रहते हैं, और नेशनल लेवल पे उनको पूरा जो परफॉर्मेंस, पूरा जो उनको सपोर्ट मिलता है। हालांकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूँ, राज्य सरकारों, राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी राज्य सरकारों के साथ नहीं बनती, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ नहीं बनती, इंडस्ट्री के साथ नहीं बनती, पुलिस बिजनेस के साथ नहीं मिलती, इंटेलिजेंसिया जो वहाँ पे एक्सपर्टाइज वाले जो लोग हैं उनके साथ नहीं मिलती ना, वो स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो है अगर आप देखो तो स्टेट लेवल के जो प्लेयर्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इतना ध्यान भी नहीं देती। तो यहाँ पे स्टेट लेवल प्लेयर्स को जो है वो साथ देना चाहिए स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज़ को, तभी जो है कुछ आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे फंडिंग और सपोर्ट तो मिलनी ही चाहिए, साथ में जो है इंडस्ट्री के साथ, इकोनॉमी के साथ, सोसाइटी के साथ स्टेट लेवल पे इनको जुड़ना चाहिए। सेंट्रल लेवल पे तो नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी जुड़ी रहती है भाई, सेंट्रल लेवल पे जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल लेवल पे इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहती है, स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेवल के साथ जुड़ी हुई है ही नहीं। तो यहाँ पे जिस तरीके से सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो बना हुआ है रिश्ता, वही स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। तो इनिशिएटिव जो है वो ये एक आगे फ्यूचर में एक बहुत जो है डिस्कशन के लिए स्पेस छोड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी देखना पड़ेगा किस तरीके से काम होता है, और बेसिकली जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये, इनकी जो एकेडमिक कम्युनिटी है इनके ऊपर ही ये पूरा भविष्य टिका हुआ है अब इन यूनिवर्सिटीज़ का, किस तरीके से आगे जो है इनको आगे बढ़ाया जाता है। तो गाइस ये थी हमारी वीडियो। अच्छा एक मैं आपको एक वो चीज़ बता रहा था, ये आर्टिकल 142 जो मैंने आपको आर्टिकल में बताया था, पहले जो द हिंदू आर्टिकल था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल है ये हमारा ये कहता है कि इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट जो है अपने ऑर्डर को पूरी टेरिटरी में लागू करने के लिए कह सकता है, और कुछ भी जो है प्रोसेस करने के लिए बोल सकता है, किसी भी विक्टिम को कंपनसेशन के लिए बोल सकता है, एग्जीक्यूटिव को आदेश दे सकता है कि इस तरीके से कोई काम किया जाए। तो कंप्लीट जस्टिस का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो एक ऑर्डर दे के छोड़ने के बजाय पूरी जो प्रोसेस है उसको भी डिफाइन कर सकता है कि सरकार को है इस तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।